Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ रेल म्यूजियम दिल्ली. तो फर्स्ट टाइम ऐसे पब्लिक प्लेस पे व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है मेरे लिए, बट इट्स ओके, हम करेंगे व्लॉगिंग. तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. Not wasting any time, let's get started. तो हम पहुँच चुके हैं रेल म्यूजियम के अंदर और अब हम चल रहे हैं, वॉकिंग वाला पाथ है, तो अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या जगह है. तो सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पे थे एक बड़ी सी स्क्रीन जिसके अंदर दिखा रहे थे सारी रेल्स के बारे में. उसके बाद था एक इंडिया का फ्लैग और सामने थी एक ट्रेन. और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे वॉशरूम जगह जगह अवेलेबल थे, तो आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है. और ना जैसे ही मैं अंदर जा रही थी वहां से सामने से टॉय ट्रेन आ रही थी और इतनी अच्छी लग रही थी ना, मेरा तो मन कर रहा था अभी जाके बस बैठ जाऊं. तो उसके बाद मैंने टॉय ट्रेन की वीडियो बनाई और बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही थी ये टॉय ट्रेन. उसके बाद ये वॉकिंग वाला पाथ, ये वीडियो थोड़ी आगे पीछे शूट हो गई है, फर्स्ट फॉर्मल वीडियो है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. एंड इसकी मैं आपको टिकट्स का प्राइस भी बता देती हूँ. जो इसकी एंट्री फीस थी वो थी 50 रुपीज पर पर्सन एंड जो ट्रेन की फीस थी वो थी 60 रुपीज पर पर्सन. तो उसके बाद यहाँ से हम अंदर जाते ही सबसे पहले मैं बैठी टॉय ट्रेन में, तो ये पीछे वाले भाई साहब को ज्यादा मेरी वीडियो में आना था. एनीवेज तो यहाँ पे मैं आई थी अपने मम्मा पापा और बहन की बेटी के साथ और भाई हम चारों ने मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करा इसमें. और ना यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे और उसके बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी. बाय बाय कर दो. बाकी और उसके बाद हमने ट्रेन में बैठ के पूरा रेल म्यूजियम को एंजॉय करा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा मजा आया था. आप एक बार ही जरूर होकर आओ, जरूर होकर आओ अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. और बीच में हमें देखने को मिली डिफरेंट टाइप की ट्रेन, जैसे कि ये ट्रेन थी जो एनिमल्स को इधर से उधर ले जाती थी और इसके जो आगे वाला पार्ट था वो पैसेंजर ट्रेन था. और आगे भी अलग अलग टाइप की ट्रेन्स खड़ी थी, लाइक ये क्रेन ट्रेन जो है वो आगे खड़ी हुई है. अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके जाते हो तो पूरा पैसा वसूल होगा आपका. और उसके बाद ये एक और ट्रेन है, पहले जो था इंजन था, देन ट्रेन थी, देन वन मोर ट्रेन. मतलब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन थे, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू. जब तक आप खुद जाके नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा. और ये भाई साहब ऐसे टंगे हुए थे बाहर, जैसे कुछ छपड़ी नहीं खड़े हो जाते ट्रेन के बाहर वैसे ही. उसके बाद हमारे ट्रेन की जर्नी यहाँ पे एंड होते हुए और उसके बाद ये जो पार्ट था ना ये टॉय जॉय ट्रेन का था जो कि आज नहीं चल रही थी. उसके बाद हम गए नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर, उसके बाद भाई क्रिएटिविटी सेक्शन और हम ना फोटो खींचे, ऐसा कैसे हो सकता है. और क्रिएटिविटी सेक्शन के बाद यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स थी अगेन और ट्रेन्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, लाइक दिस वॉज द टनल ट्रेन एंड जो ओल्ड टाइम्स में कैसे इंजन्स को हाथी के ऊपर रख के ले जाया जाता था, दिस वॉज द शेप एक्सप्लेन बाय द नेशनल रेल म्यूजियम. और यहाँ पे लिखा हुआ था इंजन्स के बारे में, मतलब बेसिकली यहाँ पे ना हर चीज़ के छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे. और यहाँ पे है लोगो नेशनल रेल म्यूजियम का. उसके बाद ये वाला तो मेरा फेवरेट था, चेनाब रिवर वाला, ये मेरा फेवरेट. लाइक मैं खुद मॉडल्स बनाने में रहती हूँ तो मतलब इतना ज़्यादा सुंदर और इतनी मेहनत से बनाया हुआ था ना, बहुत सुंदर लग रहा था ये. और उसके बाद मेरी बहन की बेटी जो थी ना वो मेरे पीछे पड़ गई, लाओ मासी मैं आपका व्लॉग बनाती हूँ. तो भाई बिल्कुल ज़िद पे अड़ गई, चलो मैंने फिर फ़ोन दे दिया और मतलब इतनी छोटी और इतना अच्छा व्लॉग बनाया उसने, बहुत ही अच्छा. और बस इसके बाद एक और क्रिएटिविटी सेक्शन, इसके अंदर इतनी ज़्यादा सुंदर ड्राइंग्स थी ना, मतलब मैं देखती रह गई भाई कितना हार्डवर्क करते हैं लोग, बहुत सुंदर ड्राइंग्स थी इसके अंदर. उसके बाद वर्ली आर्ट, ये मेरे फेवरेट है और इसको मैं ज़रूर बनाऊंगी बड़े स्केल पे. और उसके बाद एक ट्रेन बनाई हुई थी, किसी ने अपने हैंडमेड थी आई थिंक, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ था बट इतनी सुंदर थी ना और पूरी इसके ऊपर आर्ट हुई पड़ी थी. और उसके बाद मेरी बहन की बेटी भाग गई बहुत दूर, वो दिख रही है आपको बहुत दूर. फिर इसको पकड़ के हम गए रेस्टोरेंट के अंदर और वहाँ पर हमने खाना खाया. और यहाँ पर बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पे
ट्रेन के अंदर खाना सर्व होता था, और जो था 2 साल पहले, अब पता नहीं है कब ठीक होगा। मैं ज़रूर दोबारा विजिट करके जाऊँगी, आई होप सो ये ठीक हो जाए मैं, क्योंकि मुझे इसके अंदर ज़रूर खाना खाना है। और उसके बाद इसकी नौटंकी देखो। गुल्लू आपने क्या खाना है? क्या पीना है? और मासी के लिए? नानू के लिए? और नानी के लिए? सबके लिए कोल्ड ड्रिंक? अच्छा चलो ठीक है। और उसके बाद हम वापस जाते हुए जबमी बेट का वॉलपेपर और दूसरी पिक्चर कौन सी थी वो आप गेस करो। और यहाँ पे हम लास्ट में इंजन चलाते हुए और मैं ट्रेन की गलियों में घूमते हुए। और अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो ना तो यहाँ पे स्विंग्स भी हैं, तो आपके बच्चे भी बोर नहीं होंगे और आप भी बोर नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ना जाते जाते मैंने लाल किला और लोटस टेम्पल और जो जो जगह मैंने नहीं घूमी हुई थी ना वो भी मैंने घूम ली इसके अंदर। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को।